भाजपा के युवा नेता पुनीत त्यागी ने राई सब्जी मंडी में प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया। राई विधानसभा से भाजपा सेवा सप्ताह मना रही है। इसी कार्यक्रम के तहत राई से भाजपा के युवा नेता पुनीत त्यागी ने राई सब्जी मंडी में प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया और लोगों को जागरूक किया और खरीदारी करने आए ग्राहकों को जूट के थैले बांटे और प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से आगाह किया और इनका प्रयोग न करने की अपील भी की। उन्होंने कहा, पर्यावरण का संकट हमारे लिए एक चुनौती के रूप में उभर रहा है, जागरूकता से ही इस संकट से निजात मिल सकती है। अभियान आपने चलाया, इसको क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन है, वो जन्मदिन हमने सामाजिक कार्यों के तहत लोगों की सेवा करके ही मनाना था। 14 से 20 तक का जो ये कार्यकाल था, ये लोगों के बीच में जाना, उनसे संपर्क करना, लोगों की सेवा करना और लोगों को जागरूक करना, जल बचाने के लिए, सफाई अभियान के लिए और प्लास्टिक मुक्त अभियान, तो उसी के तहत आज हम यहाँ पर बड़ी मात्रा में सब्जी मंडी लगती है। हम इन लोगों को प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत इनको जागरूक करने आए हैं और इनको एक एक थैला जो है वो दे रहे हैं कि भाई आप सब जो है स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्लास्टिक मुक्त भारत की जो मुहिम चली हुई है उस पर अपना सहयोग दें और प्लास्टिक का बिल्कुल भी उपयोग ना करें और अपने ग्राहकों को भी समझाएं कि वो घर से अपना थैला लेके आए या आप जो है कागज़ के या जूट के जो थैले होते हैं, कपड़े के थैले होते हैं, उनका उपयोग करें। हमारे को ऐसे मिले कि उन्होंने हमारे को बोला कि हमने तो मोदी जी की बात जब से सुनी है तब से पॉलिथीन रखना ही बंद कर दिया, तो उसके लिए हमने उनको उनकी ताली बजाई, उनका धन्यवाद किया कि भाई उनको देखकर दूसरे लोगों को भी लगेगा भी इनका मान सम्मान हुआ, कल को हमारा भी होगा। ये मुहिम कब तक चलेगी जी? ये मुहिम जब तक चलेगी जब तक बिल्कुल हिंदुस्तान से जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुहिम चलाई है जब तक उसका कार्य पूरा ना हो जाए। एक भी आदमी के हाथ में पॉलिथीन जब तक नहीं दिखाई देनी बंद नहीं करेंगे तब तक ये मुहिम चलती रहेगी। अर्थ प्रकाश के लिए सोनीपत से आदेश त्यागी की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।